हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्रिपरेशन क्लासेस। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टअप कर रहे हैं, उसमें अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है, न्यू वेटेज वाला चैप्टर्स है जिसका वेटेज कम से कम 6 मार्क्स का जाता है, ठीक है, 6 मार्क्स का वेटेज है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था आपको कि तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें आपका हेलो एल्केन्स जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, या हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलिए उसको, आपके नए से अपने सिलेबस के हिसाब से उसको हेलोजन डेरिवेटिव्स बोला गया है। देन हमारा अल्कोहल फिनॉल, दिस इज अल्कोहल फिनॉल, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना ही है। एंड हाईली इंपॉर्टेंट जो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स। तो अल्डिहाइड जो है सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना है या बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको ये तीन चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर करने ही पड़ेंगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको वेटेज लेना निकालना है, मार्क्स अच्छे पाने हैं, तो उसके लिए आपको ये तीन चैप्टर्स सबसे अच्छे से बहुत करने हैं, क्योंकि ये बहुत वेटेज कैरी करते हैं, साथ साथ में इस मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है, इट विल बी मस्ट टू स्टडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आगे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाना है, एमएससी करना है या अदर चीज़ें, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाना है, पॉलीमर केमिस्ट्री में जाना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो इसलिए आपको ये रिएक्शंस पार्ट बहुत अच्छे से इसके समझनी है। तो इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। अब अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अगर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर देखें तो हम क्या समझते हैं कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है? तो अल्कोहल तो पता ही है आपको, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स मतलब सिर्फ आपके जो बीवरेज प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते हम, अल्कोहल्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जगह यूज़ होती है, फार्मास्यूटिकल्स में, इंडस्ट्रीज में है, कंपनीज में है, ठीक है, बहुत सी जगह अल्कोहल यूज़ में आता है, ठीक है। अल्कोहल, इथिल अल्कोहल जो है वो बीवरेज में यूज़ में आएगा, जैसे विस्की, रम वगैरह वगैरह, बट साथ साथ में अल्कोहल बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, मेडिसिन्स में भी जाता है, एंटीसेप्टिक्स में भी जाता है, ठीक है। देन फिनॉल, फिनॉल ये एक तरीके का कीटो पार्ट्स बोल सकते हैं, तो फिनॉल एक रिएजेंट्स जैसा है जो बहुत सारे प्रिपरेशंस में यूज़ होता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जब प्रिपरेशन या बहुत सारी जब मेडिसिन बनती है, तो मेडिसिन बनते टाइम इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और ईथर जो पार्ट रहेगा वो भी मोस्ट ऑफ द वही एनेस्थेटिक्स में वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे जनरली हम अल्कोहल का यूज़ देखें तो अल्कोहल आपके पेंट में जाता है, वॉर्निशेस में जाता है, देन सेलुलॉइड फाइबर्स मतलब नायलॉन फाइबर्स वगैरह बनाने में, फिर एंटी फ्रीज रेडिएटर्स, रेडिएटर पता है ना, रेडिएटर गाड़ी के जो रेडिएटर होते हैं उसमें भी अल्कोहल डाला जाता है, फिर एक फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है आजकल जो है स्पेसिफिकली फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो अल्कोहल जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आजकल फ्यूल में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल में यूज़ करने से क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स कम है, इसमें से जो पॉल्यूशंस गैसेस निकलेंगी वो बहुत कम निकलेगी और धुआं नहीं होगा, साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करेगा, ऐसे बहुत से इसके यूजेस हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं। देन इथिल अल्कोहल वगैरह जो लैक्वर्स में यूज़ होता है, पेंट में यूज़ होता है, डाइज में यूज़ होता है, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स से पता ही आपको लगाने के बाद जलन होती है, तो जलन होती है मतलब इसमें भी अल्कोहल जाता है, डिओड्रेंट्स हैं, टिंचर सिरप्स वगैरह जो आते हैं, टिंचर आयोडीन पता है ना आपको, जो जले हुए चीज़ों पर लगाते हैं तो ठंडा महसूस करते हैं। देन कफ सिरप में अल्कोहल होते हैं, क्योंकि कफ सिरप लेने के बाद आपको नींद आती है, तो अल्कोहल एक सेडेटिव की तरह भी काम करता है, बारबिट्यूरेट्स की तरह भी काम करता है। देन ये आपका ब्यूरेजेस में तो जाता ही है, विस्की, रम तो मैंने पता है था, फिर एंटीसेप्टिक में भी जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होती है स्पेसिफिकली इंजेक्शन लेने से पहले आप जो स्पिरिट लेते हो, स्पिरिट लगाते हो, सॉरी नॉट लेते नहीं हो, लगाते हो, वाइटनर्स में जाता है, मार्कर पेंस में जाता है, बहुत सी जगह आपका अल्कोहल यूज़ होता है। देन फिनॉल जो है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है, ठीक है, तो फिनॉल स्पेसिफिकली ये वाटर सोलेबल भी होता है, देन हाईली सोलेबल अल्कोहल ये इतर में भी सोलेबल होता है, देन इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई वगैरह है। करोजिव, करोजिव का मतलब होता है करोड कराता है, मतलब जंग लगाता है, साथ साथ में एसिडिक इन नेचर बैरी करता है। और इथर जैसे मैंने कहा था, इथर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है, रेजिन्स, फैट्स, गम्स में यूज़ होता है, फिर बहुत सी प्रिपरेशंस में, जैसे मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो प्रिपरेशंस होते हैं उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। गैसोलीन जो आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है, गैसोलीन, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली केरोसिन का भाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है, केरोसिन का भाई है गैसोलीन, ये केरोसिन या डीजल जो भी गाड़ियाँ चलाती, गाड़ियाँ चलती थी उस पर काफ़ी स्मोक वगैरह प्रिप्रोड्यूस होता था, तो गैसोलीन एक एडवांटेजियस बेनिफिट है इसका, ईथर का, उसकी वजह से आपको दिखेगा कि वो धुआं वगैरह नहीं निकलेगा, तो ग्रीन गैसेस जो बोलते हैं ना, ग्रीन थिंग्स, तो ग्रीन वार्मिंग्स जो बोल सकते हैं उसमें गैसोलिन्स वगैरह जाते हैं। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के अपने यूजेस देखें कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो अल्कोहल बेनिफिशियरी मैंने कहा बहुत सी जगह मेडिसिनल्स में, बेनिफिट्स में जाते हैं, फिनॉल भी बहुत सी जगह यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब प्रिपरेशंस में जाता है सबसे ज़्यादा फिनॉल्स, और ईथर भी प्रिपरेशंस के साथ साथ वर्ड्स रिएक्शन वगैरह में प्रिपरेशन में जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जाता है, ठीक
ठीक है, रेफ्रिजरेंट कूलिंग्स में वगैरह भी ये काफ़ी यूज़ में आता है। तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चार पार्ट में डिवाइड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ नॉमिनक्लेचर, मतलब नामकरण। ठीक है, तो हर एक पार्ट में आपका नामकरण तो जाएगा ही, क्योंकि जो भी रहता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना। नॉमिनक्लेचर के बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली इसके प्रिपरेशंस। ठीक है, प्रिपरेशंस के बाद उसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, ऑफकोर्स जो चीज़ पढ़ रहे थे उसके यूजेस क्या है भाई, वो पता चाहिए ना। प्रिपरेशंस किस तरीके से हो रहे हैं, उससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं या वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है, वो भी जानना जरूरी है। साथ साथ में नॉमिनक्लेचर और इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आपका एग्जाम्पल में जाएंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक एकदम, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें बोल सकते हो इंट्रोडक्शन। नॉमिनक्लेचर नामकरण कैसा है, प्रिपरेशन मतलब एक तो हम अल्कोहल फिनॉल ईथर बना कैसे रहे हैं या उससे क्या बना रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शंस पार्ट रहेगा। और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, अगर हम ये चीज़ें बना रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ और किस तरीके से जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिसाइड करूँ तो इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम अल्कोहल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला जनरली रहेगा आपका ROH। ठीक है, तो आर इज अ अल्किल ग्रुप, ये हमेशा अल्किल ग्रुप कैरी करता है आर, आप हमेशा याद रखिए कि आर इज अ अल्किल ग्रुप। उसके साथ ओ एच ग्रुप लगा तो ओ एच मतलब एक अल्कोहल ग्रुप है। जैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद कि अगर आर के साथ एक्स लगा है तो ये हैलोजन्स है। ठीक है, तो ये हैलोजन है तो इसको हैलोजन डेरिवेटिव्स की तरह पढ़ा था। ओ एच लगा है तो अल्कोहल है। अगर आर सी ओ ओ एच लगा होता, ठीक है, अगर आर सी ओ ओ एच लगा होता, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आर सी ओ एच लगा होता तो वो एसिड पार्ट होता। ठीक है, आर सी एच ओ होता तो वो अल्डिहाइड होता। ठीक है, तो ऐसे बहुत से पार्ट्स है, पर आर आपका कॉमन जाएगा, आर आपका अल्किल ग्रुप है, तो आर आप बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हो, सी एच थ्री ले सकते हो, सी टू एच फाइव ले सकते हो, कितने भी सारे कार्बन से आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी उसके नाम चलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्लेसिंग, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हम एक हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में कहा था वहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक हाइड्रोजन लग रहा था, पर यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एंट्री। तो जैसे मुझे स्पेसिफिकली कोई कंपाउंड बनाना है तो मैं स्पेसिफिकली, मैंने अगर ये लिखा कि ये है भाई मेरा मिथेन मॉलिक्यूल, हमेशा मैं मिथेन ही लेती हूँ समझने के लिए, इजी जाता है। मिथेन में अगर मुझे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप डालना है तो बाकी तो हाइड्रोजन सेम रहेंगे। ठीक है, मेरा एक ही हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले रहा है, तो इसका नाम जैसा था मिथेन, इसका नाम हो गया आपका मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल या IPC कॉमन नेम जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ तक बता देती हूँ कि CH3HOH। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया स्पेसिफिकली नाम, ठीक है, नामकरण उसके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है, उसको कहा जाता है मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल। अब द कंपाउंड्स ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दबकर रिप्लेस हो रहा है तो उसको कहा जाता है अल्कोहल। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है तो अल्कोहल। ठीक है, पर किसमें, एलिफेटिक कंपाउंड्स में, स्पेसिफिकली एलिफेटिक कंपाउंड्स में एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिफेटिक चीज़ों में, मतलब चैन वाले कंपाउंड्स में। ठीक है, एलिफेटिक मतलब चैन वाले कंपाउंड्स में अगर देखा जाए तो आपको दिखेगा कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुआ है। वही अगर एरोमेटिक रिंग, अगर बेंजीन रिंग है तो उसका OH ग्रुप रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह OH ग्रुप लगा हुआ है तो कंपाउंड्स ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर एरोमेटिक चीज़ों में एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हो रहा है तो उसको कहा जाता है फिनॉल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अल्कोहल मतलब एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है तो अल्कोहल, सिंपल चैन में। और अगर रिंग में है, ठीक है, दिस इज इन रिंग, तो रिंग में अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन की जगह अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है रिंग में, तो एरोमेटिक चीज़ों में, तो उसको कहा जाता है फिनॉल। एंड ईथर्स, ईथर्स कंसिडर करता है इट्स अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल, या अल्किल डेरिवेटिव्स है अल्कोहल का। अल्किल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने अगर ROH लिखा तो अल्कोहल था, यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने सिर्फ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होके और एक अल्किल ग्रुप लग रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, है ना, कार्बन नहीं है तो भी हम इसके नाम कैसे लिखेंगे, तो वो बात का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको कार्बन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कार्बन है नहीं मतलब है ना, बिल्कुल है, आर ग्रुप जो है हमारा कार्बन है ना भाई। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, बट फंक्शनल ग्रुप इसका ऑक्सीजन से रिलेट करता है। ठीक है, तो आर और आर जो है कार्बन ही है। अगर मैं CH3CH3 लिख दूँ तो दो कार्बन होगा, C2H5C2H5 लिख दूँ तो चार कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो इथर कंसिडर करता है अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल और अल्कोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, जिसको ROR डैश, ये कोई कॉमन ही है, ये डैश एक्सप्लेन किया गया है।
क्योंकि आर और आर जो है क्या, तो आर ये जो आर हो सकते हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। होप सो आपको समझ रहा होगा अल्कोहल का मतलब होता है एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हुआ, ठीक है, चैन फॉर्म में, तो उसको कहा जाएगा अल्कोहल। अगर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ही हो रहा है पर रिंग फॉर्म में, तो उसको कहा जाता है फिनॉल। और अगर ईथर्स जो है अल्किल डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट अगर अल्किल ग्रुप, मतलब दोनों साइड में आपको यहाँ पे आर आर ग्रुप दिखेंगे, उसको कहा जाता है ईथर। इसको आप बहुत अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है, बुक में से देख देख के रीड कीजिए अच्छे से, या नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बेनिफिशियली आपके लिए ही है, ठीक है, तो बहुत यूजफुल नोट्स है, जो भी लिख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी आगे काम में आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स पर्टिकुलरली हैंड रिटन ही बनाने चाहिए, क्योंकि इट मस्ट, आप जितने रिएक्शंस बना के देखोगे उतना ही अच्छे से वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आता है। अगर आप बने बनाए नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें मिस्टेक्स भी बहुत रहती है, आपकी वैसे ही 11th की बुक में बहुत मिस्टेक्स है, ठीक है, तो हम जब तक खुद नहीं ड्रॉ करते तब तक हमें मिस्टेक्स क्लैरिफाई नहीं होती, इसलिए आप प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स खुद लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा आगे का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर तो बाद में जाएंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं क्लासिफाई कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने कहा अल्कोहल से, तो अल्कोहल भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ज़रूरी नहीं सभी अल्कोहल सेम रहेंगे, कुछ अल्कोहल्स जो होते हैं अलग काम में आते हैं, कुछ अल्कोहल्स अलग काम में आते हैं। जैसे मिथिल अल्कोहल अगर है तो पेंट वॉर्निशेस में जाता है, फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, पर वही इथिल अल्कोहल अगर है तो इथिल अल्कोहल आपके पेंट में लैक्वर में जाता ही है, साथ साथ में परफ्यूम्स में भी जाता है, कप सिरप में भी जाता है, मतलब इसको पी सकते हैं। मिथिल अल्कोहल पीना थोड़ा सा पॉइजनस हो सकता है, इथिल अल्कोहल आप पी सकते हो, हम इसकी तो पीते ही है बहुत से लोग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में अगर देखें तो क्वेश्चन इस तरीके से रह सकता है कि वाटर अल्कोहल्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो अल्कोहल क्या है भाई और क्लासिफिकेशन किस तरीके से रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने ओ एच ग्रुप लगे हैं कार्बन के साथ, उस पर डिपेंड करता है उसका नंबर। जैसे हमने देखा था कि कितने हैलोजन लगे हैं, जैसे मैंने कहा कार्बन कार्बन के साथ अगर एक हैलोजन लगा है तो मोनो हैलोजन था, दो हैलोजन लगे तो वो डाई हैलोजन था, तीन हैलोजन लगे तो वो ट्राई हैलोजन था, और चार हैलोजन लगे तो वो टेट्रा हैलोजन था या पॉली हैलोजन था। तो उसी तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने लगे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन जाएगा। तो सबसे पहले मोनो, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल हाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब सिंगल ओ एच ग्रुप, अगर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हाइड्रोक्सिल। सो दिस आर द अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे नाम में काम है वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर दिख रहा है तो उसको कहा जाएगा मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल। जैसे सी एच थ्री ओ एच, ठीक है, सी एच थ्री ओ एच मिथिल अल्कोहल है, और सी टू एच फाइव ओ एच आपका इथिल अल्कोहल है। काफ़ी इजी पार्ट है, अगर हाइड्रोजन डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा होगा तो अल्कोहल फिनॉल बहुत ईजी जाएगा, पर हाइड्रोजन डेरिवेटिव अगर आप भूल चुके हैं या नहीं पढ़ा है प्रॉपरली तो अल्कोहल फिनॉल या एल्डिहाइड कीटोन तो और भी कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, क्योंकि रिलेटेड लेसन है एक दूसरे से ही है। तो इसलिए आपको हाइड्रोजन डेरिवेटिव बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इट विल बी मस्ट, ठीक है। तो मोनो हाइड्रोक्सिल मतलब एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हुआ, उसको कहा जाता है मिथिल अल्कोहल। आपको तो पता ही है कि कार्बन की बॉन्डिंग हमेशा चार होती है, ठीक है, तो अगर एक कार्बन के चार हाइड्रोजन है तो उसके एक हाइड्रोजन की जगह ओ एच ग्रुप लगा दिया, तो एक ओ एच ग्रुप लग दिया तो उसका नाम हो जाएगा मिथिल अल्कोहल, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक कार्बन है इसलिए मिथिल। दो कार्बन होते हैं, ठीक है, दो कार्बन होते हैं तो उसका नाम हो जाएगा इथिल अल्कोहल, ठीक है, सिमिलर थिंग्स जैसे हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा। फिर हमारा नेक्स्ट है डायहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डायहाइड्रोक्सी का मतलब जैसे नाम में ही काम, डायहाइड्रोक्सी मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो कार्बन के साथ भी लग सकते हैं या एक ही कार्बन को दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लग सकते हैं। सो दीज आर द अल्कोहल्स विच कंटेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहे हैं तो जैसे सी एच टू एच सी एच टू एच, तो इसका नाम थोड़ा सा अजीब मिलेगा आपको, इसको इथिलीन अल्कोहल नहीं कहेंगे, मिथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है, ठीक है, तो नाम अलग है पर आपको थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती है, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल, अब ग्लाइकोल क्यों कहा, क्योंकि अगर तीन कार्बन होते हैं तो ग्लिसरॉल भी हो जाता है, ठीक है, ग्लिसरीन सुना होगा, तो ग्लिसरीन का ही एक पार्ट है ग्लाइकोल करके। तो यहाँ पे सी एच टू एच सी एच टू, अगर सिर्फ इथिन सी एच थ्री सी एच टू ओ एच अगर होता तो वो इथिल अल्कोहल होता, पर यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, साइमल्टेनियस दो कार्बन को दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे इसलिए इसको ग्लाइकोल कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया डायहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और डायहाइड्रोक्सी दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, इसलिए डायहाइड्रोक्सी। नेक्स्ट आपका जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी का मतलब होता है तीन हाइड्रोजन एग्जैक्टली, जैसे दीज आर द अल्कोहल्स विच कंटेन थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि तीन हाइड्रोजन की जगह थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुए हैं, ठीक है, सिमिलर थिंग्स, तीन हाइड्रोजन की जगह तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे आपको एक चैन मिल रही है सी एच टू एच सी एच ओ एच सी एच टू एच, तो ये बनता है ग्लिसरॉल, ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सॉर्बिटॉल भी होता है, सॉर्बिटॉल सॉर्बिट्रेट गोली वगैरह देखी होंगी अपने, सॉर्बिटॉल की सॉर्बिट्रेट की वगैरह खट्टी जो गोली आती है, ठीक है।
तो ये अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिंदर मॉलिकल्स, तो ग्लिसरॉल जो है CH2H, CHOH एंड CH2H कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फॉर्मूला है ग्लिसरॉल का, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसलिए ग्लिसरॉल। वही पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे अल्कोहल मतलब बहुत सारे, 4 और मोर कहा उसने, तो 4 या 4 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लग रहे तो उसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। तो जैसे यहाँ पे आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए कितने लग रहे हैं, एक ये एक है, ये 4 मतलब ये हो गए 4, और ये तो 4, 5 एंड 6, ठीक है, तो 6 तरीके के। तो इसका स्ट्रक्चर मैं अगर बना के दिखाऊँ तो CH2OH, ठीक है, फिर CHOH, 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 CHOH एंड लास्ट CH2OH। तो ये जो CHOH, जैसे मैंने आपको बताया था ना शॉर्टकट तरीका, ठीक है, हमने जो शॉर्टकट तरीका पढ़ा था, तो CHOH, CHOH हमारे कितने बार हैं, 4 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में 4 लिख दिए पैकेट के बाहर। तो 4 लिख दिया मतलब CHOH आपका 4 टाइम्स है। इसका नाम है सॉर्बिटॉल, ठीक है, सॉर्बिट्रेट भी होता है ये, सॉर्बिटॉल बोला जाता है इसको। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन आपका 4 पार्ट में है। मोनोहाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो मोनोहाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो डाइहाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो ट्राइहाइड्रोक्सी, एग्जांपल ग्लिसरॉल, मोनोहाइड्रोक्सिक का मिथिल अल्कोहल, डाइहाइड्रोक्सी का इथिलीन ग्लाइकोल था, इसका आपका ग्लिसरॉल है, और पॉलीहाइड्रोक्सिल का सॉर्बिटॉल। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्लासिफिकेशन का ही जाएगा, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमारा थोड़ा सा डिपेंडिंग करता है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया हमारा अल्कोहल का पार्ट, अब अल्कोहल के पार्ट के बाद अगर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पता है ना, याद होगा ही आपको, हाइब्रिडाइजेशन हमने 3 तरीके के पढ़े थे, SP3, SP2 एंड SP। मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि SP3 कैसे याद रखना है आपको, कि एक कार्बन अगर 4 बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो SP3, SP2 मतलब एक कार्बन, ठीक है, 4 बॉन्ड तो बनाएगा पर एक डबल बॉन्ड रहेगा तो SP2, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसको SP। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है हमेशा के लिए, ये हर चैप्टर में इन्वॉल्व है भाई, इसको भूल नहीं सकते आप लोग, इसको हमेशा याद रखना ही है, मतलब रखना है कंपलसरी। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्लासिफिकेशन होता है, तो 2 तरीके का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, एक तो अल्कोहल्स कंटेनिंग SP3COH बॉन्ड, तो SP3, ठीक है, SP3 मतलब SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड किस तरीके से रहेगा, तो SP3 में कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड अगर प्राइमरी अल्कोहल से लगा है, सेकेंडरी अल्कोहल से लगा है, टर्शरी, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपको याद होना चाहिए। प्राइमरी का मतलब अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको प्राइमरी, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी, और एक कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको टर्शरी। ये या हमेशा याद रखिए कि एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी, ये या हमेशा याद रखिए हम। तो इन दिस अल्कोहल्स में OH ग्रुप अटैच टू SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो यहाँ पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन हो गया, जिसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं अल्किल ग्रुप में, और यह अल्कोहल क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो प्राइमरी रह सकता है, सेकेंडरी रह सकता है, या टर्शरी भी रह सकता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे, एक तो प्राइमरी कार्बन में, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन से अटैच होने चाहिए। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पहले का ही प्रीवियस टॉपिक ही है ये। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन के साथ एक आर ग्रुप मतलब एक कार्बन ही कंसिडर कीजिए, एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन के साथ अगर एक कार्बन है तो ये कार्बन आपका प्राइमरी कहलाएगा, ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी, और प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल। जैसे एग्जांपल है CH3CH2CH2OH, ये कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ इसलिए इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। सेकेंडरी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सेकंड कार्बन एटम, ठीक है, दूसरे 2 कार्बन के साथ, तो ये कार्बन आपके 2 कार्बन के साथ, यहाँ पे भी कार्बन कंसिडर करिए, यहाँ पे भी कार्बन कंसिडर कीजिए, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल जाएगा CH3CH2CH CH3OH, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल क्यों, क्योंकि सेकेंड कार्बन के बाद अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, मैंने कहा था नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, जहाँ से ब्रांचिंग पास में है, तो यहाँ से मैं नंबरिंग करती तो 1, 2, 3 होता, 3rd कार्बन होता, यहाँ से नंबरिंग की तो 1, 2 है, इसलिए नंबरिंग जहाँ से पास में वहाँ से काउंटिंग होगी, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, या IUPAC नेम में आप जाएगा तो 2-ब्यूटेनॉल लिख सकते हो आप आगे, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल मतलब यहाँ पे आपका टर्शरी कार्बन एटम रहेगा, तो एक कार्बन 3 कार्बन से मतलब 3 R ग्रुप से जुड़े, R मतलब कार्बन ही है, R इज नथिंग मच डिफरेंट, R मतलब कार्बन ही है, तो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़े हुए तो उसको कहा जाएगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे CH3 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 ले सकते हैं, C2H5 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 ले सकते हैं, और बल्कि वाले ग्रुप्स भी ले सकते हैं। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मतलब क्या होगा, कि एक कार्बन जिसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है पर डबल
बॉन्ड नहीं, एक कार्बन जिसके चार सिंगल बॉन्ड अगर बने हुए हैं तो उसको कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब ये अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको कहा जाएगा प्राइमरी, ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है तो उसको टर्शियरी। और एक साइड तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ये तो कंपलसरी है, ठीक है, एक साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिसमें पहले कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक कार्बन जिसमें दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है इसलिए सेकेंडरी, और एक कार्बन अगर तीन कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी। आपका प्रीवियस हैलोजन डेरिवेटिव्स जैसा ही पार्ट है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, काफ़ी बेसिक बेसिक पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईथर्स, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रह गया हमारा इसका, ठीक है। तो जैसे आपकी बुक न्यू बुक के हिसाब से थोड़ा सा नया पार्ट इंट्रोड्यूस है तो वो बता देती हूँ मैं आपको। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, ठीक है, तो अल्कोहल्स कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में था, एक तो अल्कोहल कंटेनिंग sp3 COH बॉन्ड और एक था अल्कोहल कंटेनिंग sp2 COH बॉन्ड। तो sp2, ठीक है, तो sp2 मतलब यहाँ पे ऑफकोर्स एक कार्बन के डबल बॉन्ड रहेंगे ऑफकोर्सली, ठीक है। तो एक तो सिंगल हो सकता है, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड अगर कैरी कर रहा है तो sp2, ठीक है, मैंने बेसिकली आपको पहले भी बता दिया। तो अगर तीन टाइप्स देखे हमने, सीच ऑफ दिस थ्री टाइप्स, तो ये तीन टाइप्स जो हमने देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो ये आइदर एलिलिक और बेंजिलिक दोनों हो सकते हैं। एलिलिक मतलब अगर चैन फॉर्म में लगे तो एलिलिक, रिंग में हमें लगे तो बेंजिलिक। तो एलिलिक अल्कोहल मतलब इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम फर्दर बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बाकी वैलेंसेस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इसकी। तो अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ऑलरेडी और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो इसको एलिलिक अल्कोहल कहा जाएगा। बेंजिलिक मतलब इन दिस टाइप ऑफ OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे भी सेम थिंग्स है, अगर बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, जैसे मैंने पीछे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर OH ग्रुप अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, ये sp3 है, दोनों sp3 ही जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं कैरी करता, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरी करेगा, ठीक है, नेक्स्ट टू कार्बन। तो ये जो है इसके तो सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। अगर ये डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे एलिलिक अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल हो जाता था, ठीक है। तो ये कार्बन के आपके चारों बॉन्ड सिंगल होंगे, चारों बॉन्ड सिंगल होंगे, और इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, इसलिए इसको एलिलिक अल्कोहल कहा जाएगा। बेंजिलिक मतलब बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो उसको बेंजिलिक अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। और इसका बी पार्ट था आपका कि अल्कोहल कंटेनिंग sp2 COH बॉन्ड, तो sp2 COH मैंने बताया कि एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा अटैच रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, विच इज अ पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल बना हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको कहा जाएगा विनाइल अल्कोहल, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक पार्ट है, आपको एक बार रीड आउट करने से समझ में आ जाएगा, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के ही जैसा पार्ट है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो बहुत सी कुछ सिमिलर थिंग्स है इसमें, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए। एंड जैसे हमने अल्कोहल पढ़ दिया, फिनॉल पढ़ लिया, अब हमारा पार्ट जाता है ईथर की तरफ। तो ईथर जो है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और साथ साथ में ईजी भी है, काफ़ी ईजी पार्ट है, मज़ा आएंगे आपको इसको सॉल्व करने में। तो ईथर्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, तो ईथर जैसे मैंने कहा कि अल्किल डेरिवेटिव्स है या अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स है। तो अल्किल डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जैसे मैंने R के साथ OR लगा दिया, ठीक है, तो R इज एन अल्किल डेरिवेटिव, ये अल्किल डेरिवेटिव हो गया या अल्कोक्सी डेरिवेटिव, अल्कोक्सी बोला जाता है। जैसे मैंने कहा कि CH3O अगर लिखा मैंने तो इसको मिथॉक्सी कहा जाएगा, C2H5O लिखा होता तो इथॉक्सी होता, तो इसको ऑक्सी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडअप है। अब ये ऑक्सीजन के साथ आगे कौन है वो डिपेंड करता, अगर H है तो मिथेनॉल हो जाता और R अगर लगा है तो फिर उसका ईथर बन जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, जो हम आगे ईथर का टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू में बता देती हूँ कि इसको अल्किल डेरिवेटिव्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अल्किल ग्रुप के साथ बाइंडअप है, डेरिवेटिव मतलब उसी से बना हुआ है, या अल्कोक्सी, अल्कोक्सी क्यों, क्योंकि ऑक्सी के साथ जो भी मिथेल ग्रुप या जो भी अल्कोहल ग्रुप रहेगा, ठीक है, मिथेन अल्कोहल ग्रुप, सॉरी, जो भी अल्किन ग्रुप रहेगा अल्किल के साथ ऑक्सीजन लगा, इसलिए अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला हमेशा जाएगा CnH2n+2O, ऑक्सीजन इज इन मेन सेंटर में है, CnH2n+2, इससे आप ईथर का फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो, ईथर में कितने एटम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने अगर लिखे कि मुझे पता नहीं है कि मेरा डायमिथिल ईथर में कितने कार्बन है, तो डायमिथिल ईथर, तो डायमिथिल का मतलब होता है दो मिथिल ग्रुप है, ठीक है, तो मिथिल मतलब दो कार्बन, तो ठीक है, दो कार्बन मतलब n की वैल्यू आपकी 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं अगर n की जगह 2 की वैल्यू पुट करूँ तो C2H2 × 2 + 2O, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका C2H2 × 2 + 2
सिक्स, तो सी टू एच सिक्स ओ, ठीक है, राइटिंग के फॉर्मूला टू टू ज़ा फोर प्लस टू सिक्स, ठीक है, सी टू एच सिक्स ओ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक सी तीन कार्बन के साथ, सॉरी एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, तो डाइमिथिल अगर इथर मुझे बनाना है तो सी टू एच सिक्स ओ मतलब वही कहलाएगा इथे, इसको इथॉक्सी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इथेन ग्रुप है ना, सी टू एच सिक्स इज नथिंग बट इथेन, इथेन के साथ ऑक्सीजन लगा इसलिए इथॉक्सी। या आपको इसको डाइमिथिल बनाना है तो डाइमिथिल बनाने के लिए मेरे पास दो कार्बन है, तो मैं दो कार्बन अलग अलग कर देती हूँ, ऑक्सीजन बीच में लिख देती हूँ, दो कार्बन मैंने अलग अलग कर दिया। और छह हाइड्रोजन है तो छह हाइड्रोजन, अगर छह चॉकलेट से मेरे पास दो लोगों को बांटने हैं तो मैं तीन तीन बांटूंगी ना, तो ये सी एच थ्री हो गया, ये सी एच थ्री हो गया, सिंपल थिंग। सी टू एच सिक्स ओ का आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो, सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, इसका नाम हो जाएगा ना डाइमिथिल, क्यों, दो मिथिल, दो मिथिल ईथर, सरनेम है ईथर, ठीक है। बाद में मैं ये नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगी, अभी तो फिलहाल आप इसको स्किप कीजिए, मैं फॉर्मूला से निकालना बता रही थी कि किस तरीके से रहेगा। इसको आर ओ आर कह सकते हो, अब आर ओ आर डैश, अब R जो है और R डैश जो है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर मैंने R और R डैश सेम लिखा तो उसको सिंपल ईथर कहा जाएगा, और R और R डैश अलग अलग रहेंगे तो उसको मिक्स्ड ईथर कहा जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत बार आ चुका है, सिंपल ईथर मिक्स्ड ईथर बहुत बार पूछा जा चुका है आपको, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टू अल्किल ग्रुप, तो अल्किल ग्रुप के नेचर पर डिपेंड करता है कि ईथर किस तरीके से क्लासिफिकेशन रहेगा, एक तो वो सिंपल रह सकता है, एक तो मिक्स रह सकता है। सिंपल ईथर का मतलब बता दें, ईथर इन विच टू अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम, अगर एक अल्किल ग्रुप, ठीक है, दोनों सेम अल्किल ग्रुप अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो उसको कहा जाता है सिंपल ईथर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों मिथिल ग्रुप अटैच है, मतलब डाई मिथिल ईथर है, दोनों इथिल ग्रुप अटैच है इसलिए डाई इथिल ईथर है। मिक्स ईथर में आपको दिखेगा कि यहाँ पे मिथिल है, यहाँ पे इथिल है, ठीक है, तो मैंने इथिल मिथिल ईथर लिखा, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है एम बाद में आता है, मिथिल इथिल ईथर भी लिख सकते हो आप, पर मार्क्स कट सकते हो उस पर, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू आईपीएससी रूल्स के हिसाब से, लेबलिंग्स के हिसाब से, आपके नॉमिनेचर के हिसाब से, आपको अल्फाबेट के हिसाब से लिखना पड़ता है, तो इथिल पहले आता है इसलिए इथिल पहले लिखा मैंने, मिथिल बाद में लिखा, और ईथर उसका सरनेम जाएगा, ठीक है, तो सरनेम तो हमेशा कॉमन जाएंगे, तो इसको कहा जाता है सिंपल ईथर। सिंपल मतलब सिंपल है जिसमें दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहेंगे, सिंपल अल्किल ग्रुप अलग रहेंगे, तो नेक्स्ट इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर का कहाँ भी यूज़ होता है वो देख लिया पहले, यूजेस तो मैं बाद में प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगी ही, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि अल्कोहल आपका अल्कोहल फिनॉल और ईथर, फिर इसका हमने स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन देखा कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है चार पार्ट में, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी और ट्राइहाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सी। मोनो मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाई मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ट्राई मतलब तीन, और चार पॉली मतलब चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन फर्दरली आगे भी बढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसका एस पी थ्री सी ओ एच बॉन्ड होता है और एस पी टू सी ओ एच बॉन्ड भी होता है। एस पी थ्री सी ओ एच मतलब एक कार्बन अगर चार बॉन्ड बना रहे तो एस पी थ्री सी ओ एच, और एस पी टू सी ओ एच मतलब एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे तो एस पी टू सी ओ एच। फिर हमने ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ईथर में हमने देखा कि इसको आर ओ आर से एक्सप्लेन किया जाता है, आर ओ आर आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम हुआ तो सिंपल ईथर, अलग हुआ तो मिक्स ईथर। ये आज का हमारा आज का टॉपिक कवर हो चुका है, आगे का टॉपिक हम कंटिन्यूशन में लेते जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फ्रेंडशिप करनी होगी या करनी पड़ेगी ही, क्योंकि इसके सिवा आप केमिस्ट्री के नैया पार नहीं लगा सकते। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों की रिएक्शंस गलत हो जाती हैं, पर प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको बहुत हेल्प करूंगी इसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो बहुत से लोगों के कंसेप्ट से कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दिया, पर अब पढ़ना अभी आपका काम है। मैं तो अपने फ्यूचर्स जो भी हैं, जो भी इमेजेस बता रही हूँ, जो भी नोट्स दिखा रही हूँ, काफ़ी मेहनत मेरी भी लग रही है, पर आप भी अपना डेडिकेशन दिखाइए, पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, काउंट डाउन शुरू हो चुका है, तो घर में बैठे हैं तो इसलिए अच्छे से पढ़ना चालू रखिए, ठीक है। न्यू सिलेबस के हिसाब से जो भी है, आपकी नई बुक की क्वेरीज कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए, बुक्स वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है, बुक्स पढ़िए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कंटिन्यूशन में रहेगा हमारा, उसका आगे का पार्ट आपको मिल ही जाएगा रोज़। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू, गुड बाय।